দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে। गाइस नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं रौनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम कनेक्शन पर। आज मैं लेके आया हूं नया वीडियो, नया रिएक्शन वीडियो है। ये है माँ 2017 का गाना है, ये फुल वीडियो है फ्रॉम द मूवी सरदार मोहब्बत। सॉरी मोहब्बत, इट्स सरदार मोहम्मद, आई एम वेरी सॉरी, बहुत गलती होगी, माफ कर दीजिए। सरदार मोहम्मद मूवी का नाम है और कुलवीर संजय के एक्टर है। इससे पहले मैं एक ऑलरेडी गाने पर रिएक्ट कर चुका हूँ, जो बहुत अच्छा लगा वो गाना, और आशा करता हूँ ये गाना भी उतना ही अच्छा होगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये गाना था जब मैंने पेंट पर रिएक्ट किया था, तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा। तो ये भी देखते हैं ये गाना कैसा है। इन 3, 2, 1 एंड गो। इमोशनल गाना होने वाला है। Wow. Wow. Guys, बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाले गाना था वो, और कुछ दिन तक देख सक अगर मैं देखता तो ज़रूर इमोशनल हो जाता। बहुत इमोशनल गाना था, क्योंकि शायद मुझे कहानी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, किस वजह से इतने दुखी हैं। इतना मुझे समझ में आया कि उनकी माँ उन्हें बहुत मिस करती हैं, कि जिस तरह के रिलेशनशिप था अपने बेटे के साथ, इतना दिन से एक साथ रहना, इतना कुछ करना एक साथ, और बेटे को बचपन से पालना, अपना माँ का सपना होता है अपने बेटे के लिए कुछ करना, जो कि बेटा हमेशा खुश रहे जहाँ भी हो। लेकिन जब अलग हो जाता है ना बेटा अपने माँ से, तो वो जो जुदाई का जो दुख होता है, वो इससे ज़्यादा दुखी माँ कुछ मतलब फील नहीं कर सकती। और
आई रियली कैन अंडरस्टैंड। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया क्योंकि मैं कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं हुआ, लेकिन भगवान करे कभी ऐसा मौका कभी नहीं आए कि ऐसा कभी यू नो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी मौका आए या किसी की ज़िंदगी में आए कि आपकी माँ से आपको बिछड़ना पड़े किसी भी कारण से। क्योंकि आप लोग यू नो रहने के टाइम पे मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि वो दोनों अलग हैं और किसी कारण से वो लोग एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम देख सकते हैं बंद दरवाजे की इस तरफ उनकी मां रो रही है और यहाँ पे खुद कुलबीर झंझैर रो रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर है। तो पता चल रहा है कि किसी कारण वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते या फिर बहुत दुख भरा कोई रीज़न ज़रूर होगा। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक माँ का होना आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको रहते वक्त आप ये कभी रियलाइज़ नहीं करते कि क्या इंपॉर्टेंस होती है माँ की आपके जीवन में। लेकिन जब वो चली जाती हैं, जब आप अलग हो जाते हैं, किसी कारण से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तो आप तब समझ में आएगा आपको कि कितना मिस करते हैं आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को, मम्मी ही नहीं अपने पापा को या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा को। क्योंकि रहने के वक्त इतनी सारी यादें जुड़ जाती है, वो जो अलग सा फीलिंग और इमोशन और जो प्यार है आपके पेरेंट्स के लिए, वो आपको तभी रियलाइज़ होता है जब अलग हो जाए आप। तो ये कभी ऐसा मौका किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी ना आए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये मुझे वैसा ही कुछ लगा इस गाने को देख के, और बहुत ही बेहतरीन गाना था, वेरी इमोशनल और रोंगटे खड़े करने वाला गाना था। थैंक यू गाइज मुझे ये सजेस्ट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मूवी को देखने के लिए, ताकि मुझे और भी पता चले ये है कुछ ऐसी मूवी जो आपको इमोशनली आपको टच करेगी, आपके दिल को छू जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वैसा ही ये फिल्म होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच रिकमेंड करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपके और भी सजेशंस, और बताइए किस तरह के गाने मुझे रिएक्ट करने चाहिए, और मैं ज़रूर करूँगा सबसे ज़्यादा लाइक मिलने वाले कमेंट पर उसी गाने पर मैं रिएक्ट करूँगा नेक्स्ट संडे। डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर और पास में बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप बेल बटन को हिट करेंगे तब भी ही प्लीज़ कीजिए। और हाँ, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार बांटते रहिए। आपको मैं दोबारा इसी जगह इसी दिन इसी वक्त मिलूंगा, तब तक के लिए चाहिए।